बेटा चैप्टर 18 हम पढ़ रहे थे द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आज इसका टॉपिक पढ़ेंगे हम एक्सरेज। ठीक है बेटा, और क्या क्या पढ़ेंगे इसके साथ साथ देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने देखने हैं और उसके साथ साथ जो है हमने एक्सरेज को देखना है बेटा। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह क्या हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम देख लेते हैं जो आप अपनी लोअर क्लासेस में भी स्टडी कर कराएं। सबसे पहले देखना है एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है बेटा। एक्साइटेशन एक्साइटेड से निकला है, जाहिर बात है एक्साइटेड स्टेट आप पढ़ चुके हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में चला जाता है, यानी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो जो हमें स्टेट मिलती है उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या मिलती है बेटा? एक्साइटेड स्टेट मिलती है। ठीक है, अच्छा, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को इस ग्राउंड स्टेट से इस एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। सही है, अभी पोटेंशियल के बारे में अभी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देख ले, मैं डिफरेंट एनर्जी स्टेट की आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ समझाने के लिए। लेट सपोज इसका ऑर्बिट नंबर 1 है, इसका ऑर्बिट नंबर क्या है बेटा? 2 है। इसका ऑर्बिट नंबर 3 है, इसका ऑर्बिट नंबर 4 है, और इसका ऑर्बिट नंबर क्या है? 5 है। ठीक है, अच्छा, अब जैसा कि मैंने बोहर्स इक्वेशन में आपको जो है एनर्जी की इक्वेशन बताई थी, फर्स्ट एनर्जी स्टेट लेवल के लिए जो एनर्जी हमें मिलती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सेकेंड एनर्जी स्टेट के लिए जो एनर्जी की वैल्यू मिलती है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और थर्ड स्टेट के लिए जो हमें एनर्जी की वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है बेटा? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फोर्थ के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फाइव के लिए -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है बेटा, ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर से लिंक करके आपको यहाँ पर बताई है बेटा। ठीक है, और अब आइए हम यहाँ पर जो है मज़ीद बातें अंडरस्टैंड करते हैं जी बेटा। तो ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट की हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब इसमें एक्साइटेशन एनर्जी को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो आपके पास लेवल है ये कहलाता है ग्राउंड स्टेट लेवल। इसके अलावा जितने भी लेवल है ये कहलाते हैं एक्साइटेशन लेवल या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट लेवल कहलाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट लेवल कहलाएगा, ये सेकेंड कहलाएगा, ये थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं तमाम एक्साइटेड स्टेट लेवल के बाद जो लेवल आता है ये कहलाता है आयोनाइजेशन लेवल। ठीक है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, आयोनाइज हो जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस हमें मिलता है वो कितना मिलता है? वो मिलता है बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस मिलता है वो मिलता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड में जो हमें एनर्जी डिफरेंस मिलता है वो क्या मिलता है बेटा? 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है? अपने ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट में जा रहा है, तो 10.2 का डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का। और ग्राउंड से अगर सेकंड पे जा रहा है तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आएगा। ग्राउंड से अगर वो थर्ड पे जा रहा है मतलब नेक्स्ट ऑर्बिट पे जा रहा है तो वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट आपके पास कहलाएगी, और 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आएगा। सही है बेटा, अच्छा जी, हम आगे देखते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल आपके पास क्या है। बेटा, एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज द पोटेंशियल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। यानी वो पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड हो किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर ले जाने के लिए उसे हम एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब एक्साइटेशन पोटेंशियल की वैल्यूज जो हैं हमारे पास वो क्या है बेटा, ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है बेटा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए डेल्टा ई जो आप निकाल रहे हैं ये सारे एक्साइटेशन पोटेंशियल के लिए वैल्यूज हैं। ठीक है, और एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालने के लिए जो बहुत आसान फॉर्मूला है वो क्या है? वो सिर्फ इतना है कि एक्साइटेशन एनर्जी को आप 4 से डिवाइड कर दें। एक्साइटेशन एनर्जी को आप 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये आप चैप्टर 12 में पढ़कर आए थे, वर्क अपॉन चार्ज
या एनर्जी अपॉन चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस के आपके पास फॉर्मूला था। इसी तरह एक्साइटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला एक्साइटेशन एनर्जी को डिवाइडेड बाय चार्ज कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट शेल से, नट शेल से निकल जाना, ठीक है, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एटम से भागाने के लिए रिक्वायर्ड हो, क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। आईपी कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी अब एनर्जी की जगह हम जो है पोटेंशियल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होता है जो रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली कहाँ से, एटम से, ठीक है, उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और अब हम अपना बेटा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज एक्सरे, ठीक है।